ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। वैसे तो हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट हम दे चुके थे, लेकिन एक चीज छूट गया था कि हिंदी का जो पार्ट संस्कृत वाला हिस्सा होता है, उस संस्कृत वाले हिस्से में क्या आएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसमें भी नहीं है, आराम से इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको एक चैप्टर है संस्कृत भाषा या महत्वम। ठीक है, हम बहुत ही छोटे में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर ये है, इसको याद कर लेना है। दूसरा जातक कथा, तीसरा है महामना मालवीय और अगला है सुभाषित रत्नानी। ठीक है, तो इन टोटल चार चैप्टर को आपको तैयार कर देना है। सुभाषित रत्नानी तो ओपन ही लगभग है, क्योंकि इसमें से श्लोक 95% के हर साल के लगभग आता है, कभी कभी नहीं आता है। और जिस समय नहीं आता उस समय इसके अलावा जातक कथा का कोई श्लोक उठा लेता है। ठीक बात, तो आपको जो है अगर ये चारों पढ़ लेते तो आपका गद्यांश पद्यांश दोनों फंसेगा। हालांकि करना तो एक ही होता है, लेकिन दोनों फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चारों को तैयार कर लेना है और हमारा आज हिंदी का पूरा इंपॉर्टेंट कंप्लीट। और ये वीडियो अपलोड जब आप तक हो रहा है, इन सभी का पैराग्राफ तब तक आपको हमारे ज्ञान आश्रम ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि ऐप में सर पीडीएफ खुल नहीं रहा है, तो पीडीएफ कैसे खुलेगा? अगर आप अपने फोन में पीडीएफ रीडर रखे होंगे तो आपको उस ऐप का सारा पीडीएफ भी खुलेगा, सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो इन सबके पीडीएफ हमारे ज्ञान आश्रम ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर है। फटाफट पढ़ जाइए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए इनके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। हर चैप्टर के एक या दो ही पैराग्राफ रहेगा, आराम से उसको पढ़ के याद करके जाइएगा, मस्त लिख के आएगा, हिंदी का एग्जाम 100 में से 100 निकाल के आइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, जय हिंद।